दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज अपने चैनल पे बताने वाला हूँ लता मंगेशकर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में और बियॉन्ड द स्क्रीन के बारे में। मेरे वीडियो पे बने रहें जरूर और अंत तक जरूर देखें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूले। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लता मंगेशकर का जो ओरिजिनल नाम था ये हेमा नाम था उनका, हेमा मंगेशकर था। चलिए आपको बताना चाहेंगे कि इनके जो पिताजी का नाम था वो उनका नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। और इनका जो हमारी लता मंगेशकर, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। उस समय ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था भारत, इस कारण से इंदौर स्टेट ब्रिटिश इंदौर स्टेट कहा जाता था। मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जो पिता थे, इन पिता के 5 बच्चे थे, उनमें से सबसे बड़ी लता मंगेशकर थी। और जब ये 13 साल की हुई तो इनके पिता का देहांत हो गया और सारा बोझ घर का इन पे आ गया। आपको बताना चाहते हैं कि इनका पिता थिएटर में काम करते थे और ये शास्त्रीय संगीत भी सिखाते थे। इसी तरह इनमें भी वो गुण आया और ये भी कलाकार बनते गए। फिर इनके कहानी स्टार्ट होती है हॉलीवुड की, बॉलीवुड की तरफ। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने टोटल 36 लैंग्वेज में गाना गाया है और 30,000 गाने गाए हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी दिया गया उपाधि इनको, और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को भी कहा जाता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत रत्न थी, ठीक है दोस्तों। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र भूषण भी मिला है इनको, और भी अनेक उपकार में अवार्ड मिले हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि कुछ मेंबर्स को वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ उनको अधिकार दिया गया है। इसी तरह जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, इसी तरह इनको भी बनाया गया है आर्ट्स के थ्रू। चलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 3 बार मिला है, 15 बार इनको बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएट अवार्ड मिला है, 4 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड मिला है, 2 बार फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला है, उसके बाद फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला है। इन्होंने अपने फिल्मी जगत में अपने झंडे गाड़े हैं दोस्तों, और इन्होंने शादी नहीं की है। आज इनका देहांत हो चुका है 6 फरवरी 2022 को सुबह के 8:12 पे। ये बड़ा शोक का समाचार, इसे राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय शोक का मतलब होता है कि हमारा जो भारत का झंडा होगा, जहां जहां होगा वहां आधा झुका रहेगा। इससे पता चलता है कि किसी महान हस्ती की मृत्यु हो चुकी है। आपको हम बताना चाहते हैं कि इनकी जीवन पे किताब लिखी जा रही है, और जो किताब के राइटर है, मीन्स की जो लिख रहे हैं, उनका नाम हरीश भीमानी है दोस्तों। इन्होंने बताया है कि जब ये अंतिम सांसें ले रही थी तो ये अपने पिता के गाने सुन रही थी और सुनना चाहती हुई थी। और इनका एक चीज था बियॉन्ड द स्क्रीन के बारे में बताना चाहूंगा कि कभी भी मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना चाहती थी, और ये कभी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती थी। क्यों, कैसे, ये तो नहीं पता, एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था दोस्तों। ये एक महान हस्ती हमें छोड़ के चली गई है, बड़ा ही शोक का समाचार है। फिर भी मैं क्या बोलूं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लता मंगेशकर जी के लिए जरूर कामना करें कि आत्मा उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, जय भारत।